सब्सक्राइब कीजिए मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एडुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और स्वागत आपका मॉडर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक्सेल में एक सिंपल छोटा सा बिल बनाने के लिए बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आज है क्या एक्सेल का मैं आपको फंक्शन और फार्मूला स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये अभी बेसिक लेवल का होगा। एडवांस लेवल का एक्सेल हम लोग आगे सीखेंगे, आगे का मतलब जब हम लोग ये बेसिक लेवल को कंप्लीट कर लेंगे। बेसिक लेवल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एक्सेल को एडवांस लेवल में सीखेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल से, और इसमें सबसे पहला है एक छोटा सा बिल क्रिएट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग एक्सेल ओपन कर लेंगे, और एक्सेल में आपको एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेना है, यानी क्रिएट कर लेना है। अगर ऑलरेडी आपका वर्कबुक क्रिएट है, सेव है, तो उसको हम लोग यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद एक न्यू शीट हम लोग यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, प्लस से न्यू शीट, और यहाँ पर हम लोग लिस्ट टाइप करते हैं। पहले बिल के लिए नेम QTY मतलब क्वांटिटी, प्राइस और ये टोटल। उसके बाद हम लोग आइटम का नेम यहाँ पर टाइप करेंगे। आइटम का नेम टाइप कर लेने के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी फिल करना है। उसके बाद प्राइस हम लोग फिल करेंगे यहाँ पर कि एक पीस का प्राइस क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने क्वांटिटी और प्राइस टोटल फिल कर दिया है। अब हम लोग टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए आपको करना है क्या, फॉर्मूला का यूज करना है। अब इसमें हम लोग फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, बहुत को करता है क्या फार्मूला का यूज नहीं करके वैल्यू को कैलकुलेशन करता है, लेकिन एक्सेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक्सेल में वैल्यू के थ्रू कैलकुलेशन करें। एक्सेल का मतलब है कि किसी एक का हम लोग सेल एड्रेस के थ्रू कैलकुलेशन करें और ड्रैग कर दें तो टोटल का निकल जाए एक बार में। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग को फार्मूला लगाना होगा। जैसे वैल्यू से अगर कोई कैलकुलेशन करता है तो एक्सेल में अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो इक्वल टू देना मस्ट है। बिना इक्वल टू के आप एक्सेल में किसी भी तरह का कैलकुलेशन पूरा कर ही नहीं सकते। तो इक्वल टू देने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पर 30 इंटू का काम यहाँ पर स्टार्ट करता है 215 के, तो ये भी सही निकालेगा, लेकिन एक्सेल का तरीका ये नहीं है। अगर आप यहां से ड्रैग करते या डबल क्लिक करते सब में सेम वैल्यू आ जाएगा, और ये एक्सेल का रूल नहीं हुआ। एक्सेल में है क्या, आप वैल्यू को सेल एड्रेस के थ्रू कैलकुलेशन कीजिए। अब सेल एड्रेस के थ्रू हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका ढेर सारा तरीका है। पहला तरीका इक्वल टू दिए, उसके बाद 30 × 215 करना है। तो 30 का सबसे पहले आपको सेल एड्रेस देखना है कि 30 का सेल एड्रेस क्या है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 जो है आपका कॉलम बी में है और इसका रॉ जो है 2 है, तो ये 30 का सेल एड्रेस हो गया B2। तो यहाँ पर जैसे आप B2 टाइप करते हैं तो ये आपका कलर वाले बॉक्स में घिर जाएगा, मतलब वो सेलेक्ट हो गया, आप जो सेल एड्रेस दिए वो आपका सही है। उसके बाद इनटू का काम यानी गुना का काम यहाँ पर स्टार करता है। इसमें हम लोग स्टार दिए, उसके बाद 215 का सेल एड्रेस है, आप देख सकते हैं इसका कॉलम सी है और रॉ सेम वही 2 है, तो यहाँ पर C2 टाइप कर दिए, दोनों आपका कलर में गिर चुका है। अब इसको इंटर कर देंगे, ये निकाल देगा। एक का निकालने के बाद जैसे आप सेल एड्रेस के थ्रू एक का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो सबको आप अलग अलग कैलकुलेशन नहीं कर सकते, मतलब उसमें आपका टाइम लगेगा। इसको हम लोग करेंगे क्या, ड्रैग कर लेंगे या तो फास्ट में डबल क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ आप एक्टिव सेल में कॉर्नर पे आते ब्लैक प्लस बनेगा, या तो आप फास्ट में डबल क्लिक कर दीजिए या तो ड्रैग कर दीजिए। हम अभी आपको दोनों तरीका दिखाते हैं। देखिए लेफ्ट क्लिक दबाए रखें और इसको हम लोग यहाँ नीचे तक खींच लेंगे, ये आपका
टोटल का कैलकुलेशन करके निकाल दिया। अगर आप चाहते हैं डबल क्लिक करके तो वो भी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा फास्ट यही डबल क्लिक वाला ही होता है। डबल क्लिक आपको हमेशा इसलिए आदत बनाना पड़ेगा, यहाँ पर तो आप देख सकते हैं नॉर्मल 9 है, मतलब लिस्ट हम लोग का 9 आइटम्स का बना हुआ है, तो हम लोग ड्रैग करके इजीली निकाल सकते हैं। अगर सैकड़ों आइटम हो तो उस टाइम ये आपका टाइम लेगा, यानी ड्रैग करने में आपको टाइम लगेगा, तो उससे इजी होता है क्या हम लोग कॉर्नर पे आए एक्टिव सेल पे और फास्ट में डबल क्लिक कर देंगे, ये टोटल का निकाल देगा। ये आपका हो गया गुना। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, टोटल वैल्यू को जोड़ के फाइनल लिस्ट बनाएंगे, यानी फाइनल विल बनाएंगे कि कितना प्राइस हुआ। तो उसके लिए हम लोग इक्वल टू देंगे और यहाँ पर सम फॉर्मूला का यूज करेंगे, सम यानी जोड़, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेल एड्रेस क्लोन लास्ट सेल एड्रेस। एक्सेल में क्लोन का मतलब होता है से, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग को जोड़ना कहाँ से है, 6450 से लेके 2400 तक, तो 6450 का पहले सेल एड्रेस देखेंगे हम लोग, तो 6450 का सेल एड्रेस हो गया D2, तो यहाँ पर D2 टाइप कर दिए। अब क्लोन देंगे, क्लोन के लिए आपको शिफ्ट बटन का यूज करना है, शिफ्ट के साथ क्लोन आएगा। ये क्लोन का मतलब होता है एक्सेल में से, यानी D2 से कहाँ तक जोड़ना है हम लोग को, 2400 तक, तो 2400 का सेल एड्रेस क्या है, D10, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे D10। आप देख सकते हैं एक बार में ये एक ही बॉक्स में टोटल गिर चुका है। ब्रैकेट हम लोग जो स्टार्ट किए थे उसको बंद नहीं किए, अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट बंद कर देंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। ये टोटल जोड़ के यानी सम करके हम लोग को रिजल्ट दे दिया। अब यहाँ पर हम लोग फाइनल टोटल या ग्रांड टोटल लिख लेंगे, सेलेक्ट किए, और यहाँ आपको होम के अंदर ही एलाइजमेंट में मिलेगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर को जैसे क्लिक करते हैं आप, तो आपका ये सेल मर्ज भी हो जाएगा और सेंटर भी हो जाएगा। क्लिक कर दिए, ये मर्ज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ग्रांड टोटल यानी फाइनल टोटल। अब इसमें हम लोग कुछ चेंजिंग करते यानी मॉडिफाई करते, जैसे सजाते इसको, तो सबसे पहले हेडिंग को सेलेक्ट किए, इसको बोल्ड कर लिए, मिडल और सेंटर कर लिए, ग्रांड टोटल को भी सेलेक्ट किए, इसको भी हम लोग मिडल सेंटर कर लिए, बोल्ड कर लिए, कलर इसका चेंज कर लिए। ये आपका सिंपल बिल हुआ। और ये अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ये एक्सेल मैंने अभी बेसिक लेवल का स्टार्ट किया है, एडवांस लेवल का हम लोग आगे सीखेंगे जब बेसिक लेवल का कंप्लीट कर चुके होंगे। आगे मैं आपको एक्सेल का ऐसा सा फॉर्मूला और फंक्शन बताने वाला हूं जिसके लिए आपको रट्टा नहीं मारना होगा। अब बहुत कोई करता है क्या, एक्सेल में लंबा लंबा फॉर्मूला होता है तो उसको वो रट्टा मारता है, रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे आप खुद अपने से फॉर्मूला डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, सिर्फ आपको वैसा समझाने वाला चाहिए। तो मैं आपको उस ढंग से समझा दूंगा फॉर्मूला कि आपको एक भी फॉर्मूला एक्सेल में रट्टा नहीं मारना होगा, आप एक बार में उसको समझ के अपने से बाद में फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।